श्री संजय सिंह, धन्यवाद माननीय, आपने मुझे चमोली में आई, उत्तराखंड में आई त्रासदी के विषय में अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सबसे पहले मैं इस त्रासदी में मारे गए उन 34 लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए। वहां से जो खबरें आ रही हैं माननीय, एनडीआरएफ के जवान बहुत परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके, जो लोग सुरंग में फंसे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि 173 लोग अभी भी लापता हैं, तो उसमें अपनी स्तर पे जो और तेजी लाने की आवश्यकता है उस पर सरकार ध्यान दे माननीय। दूसरा मेरा अनुरोध ये भी है आपके माध्यम से सरकार से कि जो मुआवजे की राशि मृतक परिवारों को और घायल परिवारों को दी गई है वो बहुत अपर्याप्त है। 2 लाख राज्य सरकार की ओर से और 2 लाख केंद्र सरकार की ओर से अब तक घोषित किया गया है। ये राशि कम से कम 25 लाख रुपए होनी चाहिए और राज्य और केंद्र उसमें कितना कितना सहयोग कर सकते हैं वो देखने की आवश्यकता है माननीय। और अंत में एक बात मैं और कहूँगा कि जिनके मकान इसमें टूटे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई के लिए सरकार योजना बनाए। 13 गांव अब तक भी संपर्क से टूटे हुए हैं, वहाँ संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और इस मौके पे मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, विकास तरक्की हमारे देश के लिए निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन जो नदियों का प्रवाह रोककर बांध बनाए जाते हैं माननीय, उसके कारण से भी ये आपदाएं आती हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस मौके पे, जिन्होंने इस आपदा में अपने इस आपदा को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी शहादत दी थी। धन्यवाद माननीय।